Good morning, students. I am going to start this session with the chapter Indian Economy on the Eve of Independence. We will start with introduction. As we know, कि हम लोग colony थे Britishers के about 200 years. उन 200 सालों में Britishers ने हमारे को हमारी resources को अच्छे से exploit किया. अब हम आगे देखते हैं किस तरह exploit किया. पहला Battle of Plassey लड़ी गई 1757 में, जो कि पहली बैटल थी फॉर डोमिनेशन ऑफ ब्रिटिशर्स. 1957 के बाद हम लोग कॉलोनी बने ब्रिटिशर्स के. आफ्टर द बैटल ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनी रूल स्टार्टेड एंड लास्टेड फॉर अबाउट 200 इयर्स. 200 साल तक हम अंग्रेजों के शासन के अंदर आए. The economic policies of colonial government in India were concerned more with the protection and promotion of their own home country. मतलब कि हमारे जो भी उनके policies थी economy के related, वो हमारे Indian interest के ऊपर नहीं थी, वो उनकी अपनी Britain की policies जो होती थी, जो उनकी home country होती थी, उसके related होती थी. जो उनको बेनिफिट अलग होता था, जिसमें उनको बेनिफिट होता था, वो हमारे ऊपर फोर्सफुली प्रेशराइज करके वो चीजें हम पे ला दी जाती थी. देन स्टैग्नेंट इकोनॉमी, इससे इस सबसे क्या हुआ कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेंट हो गई, रुक गई. उससे क्या होता, उससे क्या हुआ, जब हमारी ग्रोथ रुक गई, हम लोग सीधे सीधे फॉलो कर रहे थे जो लोग हम पे शासन कर रहे हैं, हम उनके बनाए कायदे कानून उनके हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से हम काम कर रहे थे, जिससे हमारी अपनी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक गई. स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द प्री कॉलोनियल पीरियड. द पीरियड स्टार्ट फ्रॉम बिफोर 1957, जिसकी वो कि वो टाइम जिस टाइम में कॉलोनी ब्रिटिशर्स को हमारी कंट्री में अट्रैक्ट किया. क्या रीजन है, किन कारणों से हमारी कंट्री जो है सोने की चिड़िया कहलाती थी, जिसने बाहर के ट्रेडर्स को या इन्वेडर्स को इनवाइट किया कि हम इस कंट्री को अपनी कॉलोनी बनाए. सबसे पहले एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एम्प्लॉयमेंट एंड लिविंग. हमारी कंट्री में अप्रोक्सीमेटली 85% जो हमारा लिविंग और एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड था वो एग्रीकल्चर था. मेन सोर्स ऑफ लिविंग और एम्प्लॉयमेंट जो था वो एग्रीकल्चर था. हम एक सेल्फ रिलायंट देश थे. आज भी हम एग्रीकल्चर हमारा मेन सोर्स ऑफ लिविंग है, लेकिन उस समय 85% जो हमारे यहाँ पे रहने वाले या काम करने वाले थे वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे. सेकेंड, ओनली दोज क्रॉप्स वर ग्रोन दैट आर यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन. सिर्फ वही क्रॉप्स उगाई जाती थी, वही क्रॉप्स, उन्हीं क्रॉप्स की खेती की जाती थी जो हमें जरूरत होती थी, जिनकी हमारे को नीड होती थी. जैसे जो हमारी क्रॉप्स हैं, कॉटन क्रॉप्स हैं, कॉटन था या राइस, व्हीट, बार्ले, जिनकी हम कंजम्पशन विद इन डोमेस्टिक बाउंड्रीज कर सकते थे. फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट ऑफ इंडस्ट्री. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है इंडिया की, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वर्ल्ड फेमस थी, दुनिया में फेमस थी कि हम लोग जो है हमारा हैंडीक्राफ्ट जो है हमारा मेन ट्रेड जो होता था बाकी कंट्रीज के साथ वो भी हैंडीक्राफ्ट का होता था. मेन सोर्स ऑफ ट्रेड जो था वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी. देन एंजॉय एक्सटेंसिव ट्रेड इन एशिया एंड यूरोप. हमारा जो ट्रेड था वो दूर दूर तक फैला हुआ था, एशिया में और यूरोपियन कंट्रीज में. यही एक रीजन था जिसके कारण यूरोपियन कंट्रीज जो है इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुए, जिसके बाद उन्होंने हमें कॉलोनी बनाने के बारे में सोचा. पहले तो वो लोग ट्रेड करने आए थे हमारी कंट्री में, लेकिन बाद में उन्होंने हमारे पे हमें डोमिनेट करना शुरू कर दिया, हमारे पे डोमिनेशन की और उसके बाद हमें उन्होंने कॉलोनी बना दी. नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट. सर, हम इंडिपेंडेंट थे,
सॉरी इंडिपेंडेंट थे, अपने पे निर्भर थे, अपना खुद उगाते थे, खुद कंज्यूम करते थे, सेल्फ रिलायंट थे, हम अपने विद इन बाउंड्रीज सब कुछ कर सकते, सक्षम थे. एंड पर्पस एंड प्रॉस्परस इकोनॉमी, हमारी जो इकोनॉमी थी वो दुनिया भर में मशहूर थी कि हिंदुस्तान जो है वो सोने की चिड़िया है. वो सोने की चिड़िया क्यों कहलाता था? क्योंकि वी आर रिच इन अवर मिनरल्स, वी आर रिच इन अवर एग्रीकल्चरल लैंड इज वेरी मच फर्टाइल. यहाँ पे किसी भी तरह की आप खेती कर सकते हो, किसी भी तरह की आप यहाँ पे पैदावार उगा सकते हो, जिसके कारण बाकी की कंट्रीज जो है यहाँ पे अट्रैक्ट भी, उन्होंने हमारे यहाँ पे पहले तो हमारे साथ ट्रेड किया, उसके बाद हमें डोमिनेट किया. सो स्टूडेंट्स, हमारे प्री कॉलोनियल पीरियड के अंदर ये सब पॉइंट्स आते हैं. जो मेन पॉइंट आपको माइंड में रखने हैं व्हाइल अटेंडिंग क्वेश्चंस, ये है चार पांच पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे. जैसे पहला, एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर मेन सोर्स है इंडियन इकोनॉमी का, मेन सोर्स था. 85% जो लोग थे वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे. देन जो क्रॉप्स थी वो हम सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए उगाते थे, हम ट्रेड नहीं करते थे क्रॉप्स की. देन फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट जो है वो मेन सोर्स था हमारे ट्रेड का. देन एंजॉय एक्सटेंसिव ट्रेड, एक्सटेंसिव ट्रेड जो है वो हैंडीक्राफ्ट का ही हम करते थे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, जिस चीज ने हमारे बाहर के देशों को हमारी तरफ अट्रैक्ट किया था. देन हम लोग इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट और प्रॉस्परस कंट्रीज में से एक कंट्री थे, क्योंकि हमारा देश फेमस था, हमारे देश को कहा जाता था सोने की चिड़िया. स्टूडेंट्स, वी विल कंक्लूड अवर टॉपिक ऑन द स्मार्ट क्लास. व्हाट वी हैव लर्न इन दिस वीडियो इज हमारे, we will sum up with the few points what we have learned in this video. Number one, Battle of Plassey 1757, वो समय था जिस समय अंग्रेजों और भारत के लोगों के बीच पहली लड़ाई लड़ी गई, जिसमें भारत अंग्रेजों ने जिस समय के बाद अंग्रेजों का शासन हमारे देश पे शुरू हुआ. सेकेंडली, क्या रीजन था, क्यों अंग्रेज यहाँ पे आए, क्यों हम पे डोमिनेट किया, क्यों उन्होंने हमें कलोनी बनाया? क्यों? क्योंकि हम दुनिया भर में मशहूर थे, हम एक समृद्ध देश के नाम थे, समृद्ध देश की पहचान, हमारी पहचान क्या थी, एक समृद्ध देश की पहचान. क्यों? वो हमें जो है वो पॉइंट्स प्री कॉलोनियल पीरियड में डिस्कस किए हैं सारे, क्योंकि हमें हमारा हम अपने जीवन को हम लोग खुद हमारी जीविका हम खुद क्योंकि हमारा देश हम लोग यहाँ पे रहने वाले जो है वहां हम अपनी जीविका खुद कमा सकते थे, हमें किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता था हमारे अपने सर्वाइवल के लिए. इसलिए हमारा देश जो है इंटरडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट था, सेल्फ रिलायंट था. ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर हमारा मेन सोर्स कैसे है या क्यों था. सो वी विल कंक्लूड द एग्रीकल्चर टॉपिक ऑन द स्मार्ट क्लास. लेट अस सी. अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू faced various problems. Indian economy was bad under the British regime. The British had ruined the wealth of India and imposed many stringent policies that were beneficial only to the British. Hence, on their exit, the Indian government was burdened with a greater responsibility to make the nation economically sound. The government took many measures to overcome all economic issues and its responsibilities were tremendous. Can explain the economic development in India between the years 1951 and 1990. Explain the various factors that contributed to the development of the agricultural sector till the year 1991.
explain the various factors that contributed to the development of the industry and trade sector till the year 1991. Students, we will discuss our next topic, agriculture, in next video. That's all for today.